कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस आज का वीडियो करते हैं शुरुआत। तो गाइस हमारे डैड हमसे कहते हैं कि सीजन के हिसाब से ही फल खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और अभी ये चल रही है तरबूज का सीजन, और ये रही हमारे पास तरबूज। इसका वजन 6 से 7 kg होगा और बहुत भारी भी लग रहा है, क्योंकि मेरे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि है यहाँ पे मेरे पास सोडियम मेटल। क्या होगा वाटरमेलन, यानी कि तरबूज में सोडियम मेटल को डाल दिया जाए तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, चलिए किसी ऐसे खुले जगह पर चलते हैं, हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आए और वीडियो बनाने में मजा आ जाए। तो गाइस यार वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो चल फाइनल गाइस यार हम आ चुके हैं खुले जगह पर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वीडियो शूट करने में, और यहाँ पर कोई प्रकार की हानि भी नहीं होने वाली। इसके बाद मैं फटाफट से तरबूज स्टैंड को लाता हूँ, ताकि मैं उसमें अच्छे से तरीका से तरबूज को रख सकूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद मैं खुद की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स पहनने लगता हूँ, ताकि हाथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। गाइस यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, साइंस टीक के साथ बहुत ही खतरनाक वीडियो बनने वाला है, इसलिए मैं फटाफट से एक बड़ा तरबूज को लेकर आता हूँ, ताकि मैं तरबूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। गाइस यार देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से तरबूज सेट हो गया है स्टैंड पर, ताकि इधर से उधर घड़के ना तरबूज स्टैंड को बनाया गया है। लेकिन गाइस यार वीडियो शुरू करने से पहले अपने खुद के लिए सेफ्टी। तो गाइस आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हेलमेट को पहन लेता हूँ। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने या दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। और गाइस यार आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये है सोडियम मेटल का डिब्बा, और मैं ये छोटे से डिब्बे से एक सोडियम मेटल का टुकड़ा निकालूंगा और तरबूज में दूंगा। हमें तो पता नहीं है तरबूज में सोडियम मेटल डालने से क्या होगा गाइस, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि पता चल सके सोडियम मेटल को तरबूज में डालने से क्या होता है। गाइस यार मैंने सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा कागज में निकाली और कागज को फोल्ड करके अब डालने वाले हैं तरबूज में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले 3 तक काउंटिंग करूंगा। 3 और गाइस अब मैं दिखाता हूँ सोडियम मेटल का कमार तरबूज को कितना चटनी बना दिया है सोडियम मेटल ने, देख सकते हैं यहाँ पे। और ईटा को भी 2 टुकड़ा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे तरबूज स्टैंड का कुछ नहीं बिगड़ा। और देख सकते हैं यहाँ पे एक टुकड़ा इधर और उधर पूरा छिड़िया हुआ टुकड़ा है तरबूज का, देख सकते हैं पूरा एकदम से तरबूज का यहाँ पे अनेक और टुकड़ा हो गया है, गिनती नहीं किया जा सकता है तरबूज का कितना टुकड़ा हुआ है। तो गाइस वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना।